आप सभी का स्वागत है वंदना गिट्टो ब्लॉग पे। तो देख सकते हैं वंदना जी यहाँ तैयार होके आ गई हैं पूजा करने के लिए। आज मैंने इनसे जल्दी पूजा कर लिया है तो इसके बाद ये आई हैं अपना पूजा करने के लिए, क्योंकि शैम्पू ख़त्म हो गया था, रिसेप्शन अच्छी थे नहीं तो मुझे जाना ही था लेने के लिए, तो मैं गया पूजा उजा करके उसके बाद दिया जरा तिल्ली का तिल का। तो गाइस यहाँ मैं पतिदेव से पूछा कि पतिदेव आप घी के दिए जलाए हैं कि तिल्ली का, तो वो बोले तिल का। तो हम सोच रहे थे कि मैं मतलब मेरी कहानी क्या थी कि मैं नवरात्र में वनली के घी का दिया जलाती, तो इनको नहीं पता है, आदमियों की जानकारी नहीं होता है कि मतलब कि क्या करना चाहिए। तो ये पहले ही नहा लिए थे, पूजा कर ली, तो देखिए फिर मैंने यहाँ पर माता रानी को घी का दिया जला रही हूँ। आज मुझे लेट हो गया था थोड़ा सा घर के काम को लेकर, और शैम्पू ख़त्म हो गया था, तो फिर मैं नहीं गई नीचे। तो पतिदेव नहा धो लिए, जब पूजा पाठ कर लिए तो लेकर आए, तो मैंने नहाया। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, यहाँ माता रानी को उन्होंने पोछा भी नहीं था, मतलब कि मैं क्या करती डेली पहले भगवान को पोछ लेती हूँ, रला देती हूँ, तो उसके बाद बर्तन वगैरह जो किचन अरे इसका मंदिर का होता है साफ़ करते हैं। तो आदमी लोग को इतना नहीं पता होता कैसे क्या करना होता है, कोई बात नहीं, अगर मन से दिल से सच्चे से पूजा किए हैं तो माता रानी ज़रूर सुनेंगी। तो यहाँ पर आ जाते तो सब भगवान को हम लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं माता रानी को, और फिर उसके बाद अपना जो पूजा पाठ होता है करते हैं। जब तक हम पूरा विधि पूर्वक जो जो स्टेप बाय स्टेप होता है वो चीज़ नहीं करते हैं, तब तक मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ सबको लगाने के बाद मैं भी अपने मांग में और माथे पे टीका लगा लेते हैं सिंदूर। और देखिए ऊपर हमारी ये महाकालेश्वर महाराज महादेव हैं, और पतिदेव हमारी वीडियो पीछे से शूट कर रहे हैं। तो कभी कभी हम दोनों साथ में करते हैं, कभी कभी हम पहले कर लेते हैं, हम कर लेते हैं। तो इसी प्रकार हम अपने घर का पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ पर देखिए पतिदेव का सिल्वर प्ले बटन आया हुआ था, तो यहाँ पर टांग दी, मेरा तो पीछे बगल वाले रूम में टंगा हुआ है, पतिदेव का इधर। तो ऐसे ही मियाँ बीवी अपना घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं। ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं कुछ टाइम बाद। वंदना जी आ गई हैं जल चढ़ा के, भोले बाबा के दर्शन करके। कैसा था जी, भीड़ था? नहीं, भीड़ नहीं था। आज फ्राइडे था ना, साफ कर। आज तो बेलपत्र भी चढ़ा था। हाँ। आजकल तो बेलपत्र भी देखने को नहीं मिल रहा है। जय हो श्री शिवानी कुंडकेश्वर महादेव। मंदिर से आते हैं ना, चढ़ने में साथ सुने रहते रुद्राक्ष का जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, रुद्राक्ष का जल है, ग्रहण करते हैं। तो ये जल हम लेके आते हैं भोले बाबा के, जो ऊपर चढ़ाते हैं, फिर उनके ऊपर से जो जल गिरता है वो लोटे में रोक कर हम लाते हैं घर पे, और सारे घर में छिड़कते भी हैं और पीते भी हैं, पेट में कमर में मुंह में लगाते हैं। हमको दिक्कत होती है। हाँ, जहाँ दिक्कत है आपको लगा सकते हैं, बस विश्वास रखिए सब ठीक होगा, कोई भी प्रॉब्लम है विश्वास से बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में। मैं चलती हूँ किचन में, चाय बना के रखे हुए थे, ये क्या लगा देते हैं? पानी ज्यादा निकल रहा है ना, पानी ज्यादा निकल रहा है। हाँ, नया फिल्टर लगा हुआ है ना। चाय बना के रखे, आटा गूंथ के रखे, पराठा सेकते, चाय और आलू का पराठा रात को बनाए थे पराठा। आरो ना बंद करके रखना, जब आधा हो जाए खाली ना, तो उसके बाद बाल्टी लगा देना, क्योंकि पानी ज्यादा निकल रहा है। तभी करना, जल्दी कैसे भर जा रहा है। हाँ, वो फिल्टर ज्यादा करता है ना पानी, देख लो, बताना भी जरूरी होता है, ध्यान कम देती है। हटा दो ना बाल्टी, अब बाल्टी अगर काम नहीं। एक बाल्टी लगाए थे, एक बाल्टी भर गया, फिर दूसरा बाल्टी हम लगाए। इसका पैर क्या पड़ा, कद नीचे तक आ जाए ना। नीचे कहाँ जाएगा, उनका अंशु का तो और ऊपर है, नीचे तक पाइप आया है उनका। तो कल बोली होती बढ़वा देते फिर। लगी है अब ये चलेगा ना, उसके बाद उसी से दूसरा आरो मिलेगा। और एक लेडीज थे मंदिर में, वो कह रही थी कथा नहीं आ रहा था, गुरु जी का मन ही नहीं लग रहा था, हम किसी की प्रॉब्लम मेरे साथ ही है। तो हम लोग गाना गा रहे हैं, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है। चाय और हमारा परीक्षा तैयार होने वाला है,
आज मंदिर में भीड़ बड़ी भारी, दर्शनों के खातिर विधि भक्ति खूब पड़े हैं। तो चलिए वो बना रहे हैं परेठा और चाय बना के रख के गई थी, और बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं भी निकलने वाला हूँ काम पे, तो मिलेंगे कुछ देर बाद, वंदना जी मिलेंगे, मैं तो चला जाऊँगा काम पे, तब तक वीडियो पर आप लोग बने रहिए। तो नाश्ता करने के बाद पराठा कैसा बना था पतिदेव? मस्त एकदम अच्छा। वो आपके ब्लॉग में कि मेरे ब्लॉग में वीडियो शूट की थी मुझे नहीं पता। आपके अच्छा। तो नाश्ता करने के बाद जा रहे हैं, तो ये जानते गाइस जो ये टी शर्ट पतला वाला पहन के जा रहे हैं ये कॉटन का है, और प्लस ये कार के अंदर अपना इसका कलर उड़ गया है। कलर नहीं, अब मैंने बोला दूसरा टी शर्ट पहन के जाइए तो कह रहे हैं कि कार के अंदर रहते हैं, हल्का है ना पता हाँ, नहीं चलता। और ड्यूटी वाला भी शर्ट पहनना होता है तो कोई हैंडसम वगैरह बनकर जाना नहीं जरूरी है, जो चीज है सामने है। थोड़ा सा अजीब सा लग, कुछ आप भूल तो नहीं रहे हो? अजीब सा, पीछे से रोशनी आ रही है। हाँ, काला काला दिख रहा है। हाँ यार, पानी का बोतल पानी का बोतल, और एक चीज क्या भूल रहे हो? पहले तो पानी का बोतल ले ले, चलो वो तो दे देंगे। चलिए बताते हैं, आप एक चीज और भूलते हैं, अगर पति बाहर जाता है तो पत्नी को क्या करना चाहिए? अरे पति को क्या करना चाहिए? पति को अपने बच्चों से प्यार करके, और अगर बच्चे अगर स्कूल चले गए हैं, बच्चे नहीं है, तो बीवी को माथे पे किस करके जाना चाहिए, इससे क्या होता है लक्ष्मी की वास होती है। अच्छा, ठीक है। खूब लक्ष्मी भैया आएंगी। चलो आज दिखा दीजिए, अब हम लोग दिखाते नहीं थे कभी वीडियो में, लेकिन हमसे चलिए अब हर चीज़ थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को दिखाते हैं कि हमारी जिंदगी कैसी होती है। यहाँ लेना चाहिए जहाँ पे सिंदूर लगाते हैं माथे पे, खुश रहो। हम दोनों का प्यार ऐसा है, लोग समझते हैं कि हम लोग लव मैरिज किए हैं, लेकिन हम लोगों का अरेंज मैरिज। लेकिन हम लोग वीडियो में हर चीज नहीं दिखाते थे, लेकिन आज दिखाते हैं। इधर से साफ आ रहे पतिदेव, इधर से करिए। अभी मैं सोचे कि ये दिखावा कर रही हैं। अरे उधर से रोशनी ज्यादा आ रहा था ना इसलिए। चलो पतिदेव अब फिर करें। इनको मजा आ रहा है किस कर रहे हैं तो। किस नहीं, ये होता है हम लोग डेली करते लेकिन दिखाते नहीं थे, आज चलो दिखा देते हैं। कुछ ज्यादा तीन चार बार करवा ली थी, जो सालों का था, एक बार करा, साल में एक बार। चलो मुझे लेट हो रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लेते, पानी ले आओ बोतल। चलो ठीक है, दे देते हैं पानी। पानी भरा नहीं होगा, ठंडा हो जाता। बड़ा वाला बोतल में कब रखा था ये? ले जाओ, फिल्टर के बाद रखा था कि फिल्टर वाला है? ये परसों का है, तो बिना फिल्टर वाला, बिना फिल्टर। अरे कोई नहीं भरा है उसमें, चलो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ, आज मिलते हैं कुछ टाइम बाद। तो गाइस पतिदेव की ड्यूटी जाने के बाद मैंने 2 घंटा आराम किया और मैं सो गई थी, एक घंटा सोए थे और 1 घंटा मतलब मोबाइल वगैरह चलाए लेटे लेटे। फिर ऋषभ का टाइम हो गया था स्कूल लाने के लिए, फिर मैं स्कूल इसके गई लेकर आई, और बाहर बाप रे इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है जैसे लग रहा है कि एकदम सर पे ही धूप रखा हुआ है, फिर भी दुपट्टे से मुंह ढाक के जाते हैं। और ये सब आ गया है, कपड़ा चेंज कर रहा है। सोनाक्षी 2 बजे आएंगी, चलते हैं उनके लिए भी कुछ खाना पीना बना लेते हैं बच्चों के लिए, और फिर कल हो जाएगा माता रानी का 5वां दिन हो जाएगा, आज 4था दिन हो गया, ऐसे ही नवरात्र बीत जाएंगे, फिर मई का महीना आ जाएगा। फिर एक बहुत बड़ी और खुशखबरी है आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे गुरु जी इंदौर से हॉस्पिटल से लौटकर तो चले आए हैं, आप लोग भी वीडियो में देखे होंगे, बहुत सारे लोग को पता है, और प्लस उनकी कथा बहुत जल्द ही आने वाली है, और किस डेट पे आने वाली है अगर आप लोग कमेंट में बताइए, वंदना जी डेट बता दीजिए, तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। हमें जैसे पता चला, क्योंकि हमारी 1-2 लड़के से बातें होती जो गुरु जी के साथ रहते हैं, और मैंने उनको फ़ोन ऑन किया तो पूछे कि बस इस डेट को कथा आएगी आप लोग को, मतलब पूछे, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि चलिए जिसके लिए हमारा दिल एकदम उदास था वो आ गए, और जब तक महाशिव महापुराण की कथा नहीं सुनती तब तक मेरी मतलब कि जैसे मैं खोई खोई रहती हूँ। तो जब से मुझे डेट पता चल गया है ना, तो ऐसा लग रहा है कि वो कब डेट वो जल्दी आए और कथा शुरू होए। आप लोग को भी पता चल जाएगा अगर आप लोग कमेंट में कहते हैं कि हाँ डेट बताइए किस कथा किस मतलब डेट पे कथा आएगा, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग बताऊंगी। ये वाला ब्लॉग यहीं से एंड करते हैं, आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।